जय गुरुदेव, मेरा नाम डॉक्टर सीमा कोटक है। मैं एक होम्योपैथ और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैंने अपना बेसिक कोर्स दिसंबर 2002 में किया और इन 4 सालों में मैंने अपने आप में शारीरिक और मानसिक स्तर पर बहुत परिवर्तन पाया। और तब जाके मैंने ये सोचा कि ऐसा क्या है इस सुदर्शन क्रिया में जिससे मुझ में इतना परिवर्तन आया है। और जैसे अपने गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं ना, यू ऑलवेज डाउट द पॉजिटिव। कुछ अच्छा होता है तो हमेशा उस पर डाउट करते हैं। मैंने भी वही किया। मैंने भी सोचा कि ऐसा क्या है सुदर्शन क्रिया में जिससे व्यक्ति शांत हो जाता है, उसमें शारीरिक स्तर पर बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। और तब जाके मैंने एम्स न्यू दिल्ली का, जो जिसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं, और निमहेंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, यहाँ पर जो भी कॉन्फ्रेंस हुए, जो रिसर्च हुआ सुदर्शन क्रिया पर, उसको मैंने स्टडी किया और वो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि अपनी सांस, अपनी भावनाएं और अपने विचार, इन तीनों में एक बहुत ही गहरा लिंक है। हम सब जानते हैं जब बहुत गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, वी टेक शॉर्ट ब्रेथ, है ना। और जब बहुत शांत और खुश रहते हैं तो हमारी सांस कैसी होती है, एकदम लंबी और शांत, मन से भी हमको शांत लगता है ना। तो सुदर्शन क्रिया में इसी सांस का इस्तेमाल करके हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार है, उस पर कंट्रोल पाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका गुरुजी ने हमें दिया है। हमारे शरीर में 2 हॉर्मोन्स होते हैं, एक है प्रोलैक्टिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। इसे हम डॉक्टर्स कडल हार्मोन कहते हैं। ये 2 हार्मोन जो गर्भवती स्त्री होती है, जिसे नव शिशु होता है, नया बच्चा आता है, उसमें उस माँ में ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए एक अपनापन हो, एक बिलोंगिंगनेस हो। और यही 2 हार्मोन हम जैसे जो रोज़ाना क्रिया करने वाले लोग हैं, हमारे में ये 2 हार्मोन थोड़े से बढ़ जाते हैं। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि किसी ने अगर हमको कह दिया जय गुरुदेव, तो कितनी खुशी होती है, एक अपनापन, एक बिलोंगिंगनेस आ जाता है ना। मुझ में भी यही होता है। यहाँ तक कि कोई भी अजनबी हो और किसी से कुछ बात करना है तो वो एक कोई वो अलग है, ऐसे बिल्कुल नहीं लगता, एक अपनापन लगता है, एक बिलोंगिंगनेस रहता है। आपको भी शायद यही महसूस होता होगा, है ना। दूसरी बात है कि 2 और हॉर्मोन्स है, एक है कॉर्टिसोल और दूसरा है सीरम लैक्टेट। ये 2 हॉर्मोन्स को स्ट्रेस हॉर्मोन्स बोलते हैं। आज के तारीख में हम सबको कुछ ना कुछ तनाव है ना। तनाव तो ज़िंदगी से जा नहीं सकता, लेकिन अगर हमारे पास एक सुरक्षा कवच हो जिससे वही तनाव को फाइट करने के लिए हमको कुछ मिल जाए तो कैसा हो। और वही सुदर्शन क्रिया काम करता है। सुदर्शन क्रिया के वजह से हमारे अंदर ये जो कॉर्टिसोल जो हार्मोन है और जो दूसरा सीरम लैक्टेट है, वो दोनों घट जाता है। उसी के वजह से तनाव भले वही हो, व्यक्ति भले वही हो, लेकिन उस तनाव के टाइम पर भी हम शांत रह सकते हैं, गुस्सा कम हो जाता है, एंग्जाइटी जो बोलते हैं, जो डर होता है, जो फियर होता है, जो फोबिया होता है, वो सब कम हो जाता है। अब मुझे ही देखिए, मुझे प्लेन्स का हद से ज़्यादा डर था इसलिए क्योंकि 1 साल के पहले तक मैं ज़िंदगी में कभी फ्लाइट में नहीं गई। हमेशा लगता था वो प्लेन ज़रूर गिर जाएगा और मैं मर जाऊँगी। लेकिन अब इस 1 साल में मैं 4 बार बैंगलोर केवल फ्लाइट में जाऊँगी। अभी तब मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे अंदर भी वो कॉर्टिसोल और लैक्टेट दोनों कम हुआ। उसके वजह से गुस्सा तो कम हुआ, डर भी कम हुआ। आज की तारीख में 20-25 साल के लोगों में हार्ट अटैक्स हो जाता है ना। कोई भी हो, 20 साल का लड़का हो या लड़की हो, उनको हार्ट के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली हो रहे हैं। लेकिन सुदर्शन क्रिया करने की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो सकते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स आने ही बंद हो सकते हैं। कैसे? हमारे बॉडी में एक कोलेस्ट्रॉल करके हार्मोन है,
अब ये कोलेस्ट्रॉल जो लोग रोजाना क्रिया करते हैं उन लोगों में ये बैलेंस में आ जाता है। LDL जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो उतर जाता है और HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो बढ़ जाता है, और इस बैलेंस के वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स होने का चांस चला जाता है। दूसरी बात है, हम जैसे डॉक्टर्स बहुत ही कॉमनली लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स लिख के देते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जिसे हम लिख के देते हैं, जिससे प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है और हार्ट प्रॉब्लम जैसे बड़ी बीमारियां नहीं होती है, और अगर है तो उसे फाइट करने को मदद करता है। लेकिन हमारा जो सुदर्शन क्रिया है उसके वजह से ब्लड में अपने आप ये एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ जाता है, इसलिए ये गोलियां लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, जो लोग कैंसर जिनको है और जो रेगुलर क्रिया करते हैं उन लोगों में एक सेल होता है जिसे कहते हैं नेचुरल किलर सेल। कैंसर रहे व्यक्ति ने अगर क्रिया रोज़ किया तो ये पाया गया है कि उनमें ये नेचुरल किलर सेल बढ़ जाता है, जिसे जो ट्यूमर के जो सेल्स है उनको फाइट करने को मदद करता है। और एक और अच्छी बात, हम जो भी आर्ट ऑफ लिविंग किए हुए लोग हैं हमेशा चेहरे पर एक खुशी होती है, एक मुस्कान होती है। क्यों? क्योंकि हम सब लोगों ने जिन्होंने क्रिया रोज़ की है उन लोगों में एंडोर्फिन्स करके एक हार्मोन हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए हम चाहे कुछ भी कोई भी परिस्थिति आए हम हमेशा उसमें खुश रहते हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती है। तो शारीरिक स्तर पर तो फ़र्क पड़ता ही है, मानसिक स्तर पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मन स्थिर रहता है, शांत रहता है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप सब लोग जो सुदर्शन क्रिया रोज़ कर रहे हैं वो करते ही रहे, और जिन लोगों ने एक बेसिक कोर्स नहीं किया है उन सबको जल्द से जल्द कोर्स करने के लिए भेजें, क्योंकि जो परिवर्तन मुझ में आया है, आप में आया है, मैं चाहती हूँ कि सब लोगों में आए बस। और जो भी मैंने बताया आपको, इस सब का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो स्कैन हो, हार्ट रेट हो, ECG हो, EEG हो, मैंने सब चीज़ का स्कैन करके ये रिसर्च हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि सुदर्शन क्रिया कितनी पावरफुल है। बस यही बताना था आपको। जय गुरु।